जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क, जिसे बाघों की धरती भी कहा जाता है, इन दिनों पूरे भारतवर्ष से पर्यटक टाइगर का दीदार करने आ रहे हैं। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको बाघ के दीदार नहीं करा रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं लेपर्ड की, जिसे हिंदी में तेंदुआ भी कहा जाता है, जो कि काफी रेयर होता है। उसका यह वीडियो कैप्चर किया है कान्हा नेशनल पार्क के ही नेचुरलिस्ट ने, जिन्हें सब मोहन अन्ना के नाम से जानते हैं। यह वीडियो कान्हा जोन के घोड़ा छापड़ का है, जहाँ आप इस फीमेल ने 3 बच्चों के साथ देख सकते हैं। यह वीडियो काफी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जमके शेयर हो रहा है। हमने बात की इस वीडियो को कैप्चर करने वाले नेचुरलिस्ट मोहन अन्ना से। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। इसी महीना अक्टूबर में 16 तारीख को जब हम कान्हा नेशनल पार्क में भ्रमण करने के लिए गए थे, वही 2 दिन हुआ था कान्हा जोन खोल के। बहुत अच्छा से हमारा उम्मीद था कि कहीं टाइगर दिख जाए पार्क में, अच्छा टाइगर भी दिख रहे थे। फिर 16 तारीख को हम सुबह उठ के गए पार्क में, जब समथिंग अराउंड 7:15 तक हमको एक रास्ता में जा रहे थे कान्हा जोन में, अचानक से बंदर का आवाज़ सुने। फिर गाड़ी रोक के हम लोग वेट कर रहे थे, ऐसा लग रहे थे ये आवाज़ से, बंदर का आवाज़ से हमको लग रहे थे ये कोई लेपर्ड होगा पार्क के अंदर। फिर हम लोग वेट किया, 2-3 मिनट वेट किया होगा, तुरंत जो बंदर आवाज़ कर रहे थे वो नीचे देके आवाज़ कर रहे थे। हम लोग भी सोचा कि भाई क्या है, लेपर्ड शायद अंदर हो गया होगा गाड़ी आवाज़ सुन के। फिर हम लोग सोचा कि चलो वेट करते 2-3 मिनट क्या होगा। अचानक से गाड़ी के पीछे से एक तेंदुआ निकल के आया बाहर, हम बहुत खुश हो गए, गेस्ट भी बहुत खुश हो गया। फिर फोटो खींचने लगे उन लोग, फोटो खींचते खींचते थोड़ी देर के बाद वो बाहर नहीं आ रहे थे, सिर्फ थोड़ा बहुत रास्ते में खड़े होके पीछे मुड़ के देख रहे थे, ऐसा लगा कि क्या है पीछे। फिर तीन लाइक 15 सेकेंड में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग बाहर आ गए, लेपर्ड का छोटे छोटे बच्चे, लाइफ टाइम में पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे। मैं ना खुश हुआ कि गेस्ट को बताया कि ये पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे करके, देन दे वॉज सो हैप्पी। वहाँ से हम लोग धीरे धीरे से उसको समय दिया बाहर आने के लिए, वहाँ से धीरे धीरे से वो लेपर्ड बच्चों को लेके रास्ते में चलने लगे, बहुत अच्छे से वो धीरे धीरे से चलने लगे, बहुत दूर तक चले, करीबन 100 मीटर तक वो आराम से चल रहे थे रोड में। फिर वहाँ से वो अंदर हो गया, बहुत अच्छे से मज़ा आया, ऐसा चीज़ मिलने को लाइफ टाइम में पहली बार मिला है मेरे को, ऐसा चीज़ सबको नहीं मिलता है, ऐसे बहुत लकी होना ज़रूरी है एक चीज़ देखने के लिए। कान्हा नेशनल पार्क में तो टाइगर तो बहुत अच्छा से दिखता है, मगर लेपर्ड वो भी बच्चे के सहित मिलना मैंने बहुत रेयर है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे थे रेवा इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.revaindianews.com। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए।